साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना की गई है। बता दें, यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर एफआईआर से लेकर पीड़ित को न्याय दिलाने तक का कार्य होगा। साइबर हेल्प सेंटर के नंबर पर तत्काल घटना की सूचना दी जा सकेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि साइबर हेल्प सेंटर एक सिंगल विंडो सिस्टम है। अब साइबर अपराध की शिकायत के लिए थाने में नहीं जाना होगा। साइबर हेल्प सेंटर के नंबर पर फोन कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। एफआईआर की कॉपी भी यहीं से पीड़ित को दी जाएगी। जनवाणी न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो चीफ मिर्जा गुलजार बेग की रिपोर्ट। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा समस्त नागरिकों के लिए एक साइबर हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई है। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी अब किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या साइबर घटना किसी भी व्यक्ति के साथ यदि घटित होती है तो उनको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल साइबर हेल्प सेंटर, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थित है, यहाँ पर आने की आवश्यकता है और यहाँ आके वो अपनी डिटेल्स और कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि उनको किसी भी प्रकार से अन्य कोई समस्या है जिसके संबंध में उनको तत्काल अवगत कराना है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके, जो इस मैसेज के साथ आपको शेयर किया जाएगा, उस पर भी तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी उस हेल्पलाइन नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें और घटना घटित होते ही तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में यदि कोई भी पैसा आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हुए बाहर गया है तो साइबर हेल्प सेंटर उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद साइबर हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी कंप्लेंट ज़रूर नोट कराएं। याद रखें, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी आप केवल साइबर हेल्प सेंटर पर ही जाएंगे और यदि उसके बाद आपके प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है तो ये साइबर हेल्प सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर की कॉपी आपको वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है और आपके मुकदमे से संबंधित प्रगति के संबंध में भी आप साइबर हेल्प सेंटर पर जाके कभी भी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी थाने के चक्कर काटने की या थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है।